नमस्कार, आप देख रहे क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज से बिना आरक्षण का सफर शुरू। रेलवे अंबाला डिवीजन ने 40 ट्रेनों में लगाए जनरल डिब्बे। 10 दिसंबर से हुई शुरुआत। कोरोना संक्रमण के कारण ट्रेनों से जनरल कोच हटा दिए गए थे, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब रेलवे अंबाला डिवीजन ने एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है। 10 दिसंबर से यात्री एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल डिब्बे में यात्रा कर सकेंगे। सहारनपुर से गुजरने वाली 14 ट्रेनों में जनरल डिब्बे जोड़े गए हैं, जबकि पूरे मंडल की 40 ट्रेनों में जनरल कोच लगाए गए हैं। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में ट्रेनों के पहिए थम गए थे। योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को बंपर न्यू ईयर गिफ्ट। बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का होगा नगद भुगतान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आए हैं। इस नए साल के आगमन के साथ ही राज्य कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 3% बढ़ाकर दिया जाएगा। प्रदेश का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए तैयारियों में लग गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने बढ़े हुए डीए और डीआर देने का प्रस्ताव शासन के पास मुहर लगाने के लिए भेज दिया है। बता दें, यूपी के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर जुलाई 2021 से ही 3% बढ़ा दी गई है। योगी ने दिए निर्देश, हर दिन 20 लाख डोज टीकाकरण का लक्ष्य रखें। प्रदेश में कोरोना के 9 नए मरीज मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हर दिन करीब 20 लाख डोज का लक्ष्य रखकर कार्य किया जाए। इसके लिए शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों के बूथों पर सक्रियता बढ़ाई जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाते हुए जाँच की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में कोविड संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। कानपुर मेट्रो का पहला कार्ड पीएम मोदी को देगा स्टेट बैंक। सफर भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो के साथ ही पीजीआई की भी सौगात देंगे। इसे देखते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने तैयारी, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक सुपर स्पेशलिटी पीजीआई के लोकार्पण की तैयारियां शुरू कर दी है। 240 बेड का पीजीआई शुरू होने से कानपुर और आसपास के जिलों के लोगों को सुपर स्पेशलिटी इलाज मिलने लगेगा। कानपुर मेट्रो से सफर करने के लिए पहला कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की तैयारी है। 12 दिसंबर से दोगुना फ्री राशन, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 12 दिसंबर से राशन वितरण में महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े इस महावितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार की योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीब मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एयरपोर्ट पर बड़ी और सख्ती। अब फ्लाइट से उतरते ही होगा कोरोना टेस्ट, फिर मिलेगी टर्मिनल में एंट्री। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में अब एयरपोर्ट पर और भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। अब यात्रियों की विमान से उतरते ही कोविड जांच होगी। अभी तक कोरोना की जांच टर्मिनल में प्रवेश के बाद बाहर निकलने से पहले होती थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के निर्देश के बाद इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्री विमान से उतरने के बाद बस में बैठेंगे। यह बस उनको टर्मिनल में लेकर जाएगी और बाहर टैक्सी वे की ओर बने टेंट के निकट उतारेगी। यूपी में दिखने लगा ठंड का असर, कल से और लुढ़केगा पारा। लोगों को अभी नहीं मिलेगी कोहरे से राहत। उत्तर प्रदेश में दिसंबर के महीने से शुरुआत ही पारा गिरना शुरू हो गया है। दिसंबर महीने से पूरे प्रदेश में ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। हालांकि अभी भी उत्तर प्रदेश में मौसम ठंड का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। इसी कारण अभी यूपी वासियों को दिन में ठंड का असर ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है। हालांकि रात में पारा गिरने से लोगों को ठंड का असर हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 12 दिसंबर से तापमान में कमी होने के साथ ही मौसम में और सर्द हो जाएगी। पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा, 27 को विभागीय कमेटियां गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 दिसंबर को मंडी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन मंडी ने कमर कस ली है। दौरे की सफलता को लेकर उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने विभागीय कमेटियां गठित कर ली हैं। कमेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों से जुड़े इंतजाम देखेंगी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 दिसंबर को मंडी दौरा प्रस्तावित है। वे औद्योगिक निवेश को लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और प्रदेश सरकार का 4 साल का सफल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मंडी के पड्डल मैदान में होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।
टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी को योगी सरकार का तोहफा, यूपी पुलिस में दिया ये बड़ा पद। टीम इंडिया के स्टार हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर ललित कुमार उपाध्याय को यूपी सरकार ने पुलिस विभाग में विशेष कार्य अधिकारी यानी OSD के पद पर नियुक्त किया है। वाराणसी के ललित उपाध्याय को हाल ही में खेलों के सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपर मुख्य सचिव अवस्थी ने बताया कि खिलाड़ियां इनके सम्मान में प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। सीएम योगी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, स्टार अफसर सस्पेंड और रामपुर DSP पर भी गिरी गाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। इस कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के वाणिज्य कर विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद विशेष अनुसंधान शाखा में तैनात रहने के दौरान एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 धर्मेंद्र सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश दुबे, डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश मिश्रा और असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। सीएम योगी के आदेश के बाद निलंबन पर मुहर लगाई गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।